JNU. ये नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में यूनिवर्सिटी आती है, मगर विनय शर्मा इस नाम से अपनी फिल्म लेकर आ रहे हैं। सिद्धार्थ बोर्ड के उर्वशी रोटेला, पीयूष मिश्रा और रवि किशन जैसे स्टार्स इस फिल्म में दिखेंगे, मगर पोस्टर रिलीज के साथ ही मूवी को लेकर विवाद शुरू हो गया है। लोग तरह तरह के पक्ष रख रहे हैं, मगर सवाल ये है कि फिल्म JNU पर विवाद हो क्यों रहा है। इसका जवाब है फिल्म का नाम और पोस्टर, जिसपे JNU की फुल फॉर्म जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी लिखी गई है, जिसमें जो रियल यूनिवर्सिटी है उसका नाम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है। उर्वशी रोटेला ने पोस्ट शेयर कर लिखा, शिक्षा की बंद दीवारों के पीछे देश को तोड़ने की साजिश रची जा रही है, जैसे ही लेफ्ट और राइट टकराएंगे बहुत बड़ा हंगामा होगा। वही पोस्टर पर भगवा रंग का नक्शा नजर आ रहा है, जिस पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या एक यूनिवर्सिटी देश को तोड़ सकती है। ऐसे में लोगों ने इस पोस्टर पर तरह तरह से रिएक्ट करना शुरू कर दिया है। कुछ यूजर्स का कहना है कि ये फिल्म एक प्रोपेगेंडा है। हम सभी इस बात को जानते हैं कि JNU का विवादों से पुराना नाता रहा है, वहां पढ़ने वाले स्टूडेंट्स अक्सर अपने हक की लड़ाई के लिए आवाज उठाते दिखते हैं। ऐसे में जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी नाम से एक फिल्म बनाना कुछ यूजर्स को बिल्कुल भी नहीं भा रहा है। एक यूजर ने लिखा, हिटलर और नाजी भी यही काम करते थे, उन्होंने एक दशक तक लगभग 90 फिल्में और रेडियो शो के जरिए नफरत भरा मीडिया प्रचार किया था। ये देखकर अच्छा लगता है कि उनके फैंस एक सदी बाद भी उस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। दूसरे यूजर ने लिखा, मुझे एक काफी एंटरटेनिंग लगता है कि ऐसी फिल्में चुनाव से पहले ही आती हैं। ज्यादातर यूजर्स फिल्म के पोस्टर को देख के इसे एक प्रोपेगेंडा समझ रहे हैं। JNU का विवाद कोई आज की बात नहीं है, इस यूनिवर्सिटी पर हमेशा आरोप लगते गए हैं कि यहाँ के स्टूडेंट्स में आक्रोश बदला धर्म हीन की भावना भरने का काम करती है, जो कश्मीर फाइल्स में भी दिखाया गया। साथ ही लगातार नारे लगाना, अपने हक के लिए लड़ना, दीवारों पे पोस्टर्स लगाना आम बात है। पाकिस्तान जिंदाबाद, भारत मुर्दाबाद के नारे लगाने का आरोप भी इस यूनिवर्सिटी पर ही है, लेकिन इसके पीछे कितनी सच्चाई है ये 5 अप्रैल को ही फिल्म रिलीज के साथ पता चलेगा। आपको क्या लगता है, क्या एक यूनिवर्सिटी देश को तोड़ सकती है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि काफी बड़ा सवाल है। Until then, keep watching and entertaining yourself with Bollygrad Studios. Become an actor in Bollywood. WhatsApp hi to 88288500 88.